हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है कार्बन एंड सिलिकन आर द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। गिव द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एंड सिलिकन एंड द एंड स्टेट द ग्रुप इन विच दीज एलिमेंट्स ऑकर्स। बोला गया कि कौन सा एलिमेंट जो होगा, अगर मान लो कि ये एलिमेंट है कार्बन और सिलिकन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और सिलिकन एटॉमिक नंबर 14, वो सेम एटॉमिक ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, और सबसेल वाइज देखो तो 1s2, 2s2, 2p2। और सिलिकन की बात करें तो सिलिकन का होता है 2 8 4, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो यहाँ पर ये इस तरह से बिलोंग करता है। अब हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल में दोनों का कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, इसी वजह से ये सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। दोनों का प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अब बोल रहा है कि एंड स्टेट द ग्रुप इन विच द एलिमेंट ऑकर्स। बोला कि कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट पाए जाते हैं, ये हम लोग को बताना है। ये एलिमेंट जो होता है हम लोग को, ये देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि 4 ब्लॉक है। पहला है एस ब्लॉक, जिसमें कि 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। फिर हमारा यहाँ पे बीच में आता है डी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें कि 10 ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम कैसे होता है, तो ये यहाँ पे एस ब्लॉक में होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसके बाद फिर ग्रुप डी में जो होता है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यहाँ पे 3D में होता है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो P2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो P1 जो बिलोंग करता है, P1 जो होता है वो 13 को बिलोंग करता है, P2 जो होता है 14 को बिलोंग करता है, P3 जो होता है वो 15, P4 16, P5 17 और P6 18 को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे P2 जो है, P2 ग्रुप लिया गया है, तो ये P2 का मतलब हो गया कि ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप 14, ठीक है। अब पोजीशन, और कार्बन और सिलिकॉन का पोजीशन अगर देखें तो कार्बन जो होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, मतलब कि सेकेंड पीरियड में खत्म होगा, पीरियड सेकेंड पीरियड और 14th ग्रुप। जबकि अगर सिलिकन का पोजीशन देखोगे तो सिलिकन 3p में खत्म हो रहा है, तो इसमें थर्ड पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।